दोस्तों नमस्कार, मेरे साथ जुड़ गए हैं योगी सरकार के चर्चित राज्य मंत्री दिनेश खटीक जी। सर, आज आप सरसावा में आए हैं और जो चेयरमैन विजेंद्र मोगा के द्वारा 5 सालों के अंदर काम हुए हैं, क्या यहाँ की जनता उनसे सेटिस्फाई नजर आती है? ये तो आप स्वाभाविक है कि अपार जन समूह यहाँ पर कम्युनिटी हॉल के उद्घाटनों में और नगर पालिका के जितने उद्घाटन हुए उनमें अपार जन समूह जुटा है। और आज जैसे पूरे नगर में सब लोग निकले हैं, वो सर्व समाज के लोग साथ में निकले हैं, आप स्वयं देख सकते हैं। सर, आने वाले उत्तर प्रदेश के अंदर नगरीय निकाय पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं, भाजपा का मुख्य मुकाबला किससे होगा? हमारा 2014 से लेकर और 2022 तक कोई चुनाव में नहीं रहा, सामने सब होते हैं लेकिन सब परास्त हो जाते हैं और ऐसे ही इस बार भी सब परास्त होकर के केवल भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार में। सर, आपसे एक खास सवाल करूंगा, आप चर्चाओं में रहते हैं, कभी इस्तीफे की बात होती है, कभी ऑफिसरों से तीखे अंदाज में बात करने की बात होती है, कभी थाने पर धरना प्रदर्शन की बात होती है, क्या मामला है सर? ये जनहित के काम के लिए हमें जो भी करना संभव होता है हम वही करते हैं। ऐसी समाज के लिए सरकार काम कर रही है? भारतीय जनता पार्टी सर्व समाज को लेकर के चलती है, चाहे सामान्य जाति के लोग हों, चाहे पिछड़े लोग हों, चाहे ऐसी जाति के लोग हों, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के साथ काम करती है, सबको साथ लेकर। धन्यवाद सर। दोस्तों, हमारे साथ एक भारतीय जनता पार्टी के खास नेता और हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं, महेंद्र सिंह महंगी जी, जिनकी चर्चाएं भी थी कि 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे, चर्चाओं में रहे। सर, कैसे देखते हैं भारतीय जनता पार्टी को इसमें? देखो, भारतीय जनता पार्टी अपने उस शिखर पर और पूरे राष्ट्रीयता को लेकर चल रही है और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से अच्छी पार्टी इस समय भारत में, हिंदुस्तान में नहीं है। बहुत ही कर्मठ और योग्य हमारे प्रधानमंत्री जी हैं और बहुत ही ईमानदार योग्य हमारे मुख्यमंत्री जी हैं और केंद्र में सारे मंत्री हमारे योग्य हैं। आप सब देख रहे हैं विकास की गंगा बह रही है, आदरणीय गडकरी जी ने तो विकास में ये जान लो कि पूरे विश्व के रिकॉर्ड तोड़ दिए। सर, आपसे कर्मठ नेता के रूप में जाने जाते हैं, आपको टिकट क्यों नहीं हुआ था, क्या कारण है और क्या अब आपको भाजपा योगी सरकार में कोई जिम्मेदारी मिलने जा रही है? साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का निर्णय रहता है। इसमें कार्यकर्ता का अपना कार्य है, उसकी मेहनत है, वो मेहनत करता है। सर देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह MLC हैं, दूसरी पार्टियों में कैबिनेट स्तर के मंत्री रहे हैं, लेकिन आज गुर्जर समाज ने भारतीय जनता पार्टी को 95% वोट दिया है, लेकिन गुर्जर समाज को मंत्रिमंडल में क्यों नहीं लिया जा रहा, एक मंत्री है सर मात्र? नहीं, ऐसी बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हमारे समाज को बहुत सम्मान दे रही है। हमारे सांसद हैं, हमारे MLC हैं वीरेंद्र सिंह जी, हमारे दो दो विधायक हैं और अन्य पद भी जो समय के अनुसार, योग्यता के अनुसार सब मिल रहे हैं। ऐसा नहीं है, माननीय मंत्री जी हैं, सोमेंद्र जी मंत्री, मैंने बताया कि एक मंत्री हैं। हाँ, मंत्री हैं। ऐसा नहीं है कि समय समय पर सब बढ़ता रहता है और सम्मान में कोई कमी नहीं है। सर, आपको क्या लगता है 2024 से पहले, यानी चुनाव से पहले, गुर्जर समाज को भी अहम जिम्मेदारी मिलने जा रही, किसी को कैबिनेट में लिया जाएगा, किसी को राज्य मंत्री बनाया जाएगा? नहीं, पहले तो बहुत सम्मान दिए ही जा रही है और ये पार्टी का निर्णय रहेगा। गुर्जर समाज तो पूरा पश्चिम उत्तर प्रदेश लगाओ और जहां तक भी है 100% भारतीय जनता पार्टी के साथ रहा और साथ ही रहेगा। जिम्मेदारियां तो आती जाती रहती हैं और जिम्मेदारियां दे भी रखी, ऐसा नहीं है। पश्चिम में बड़ा स्थान है, सम्मान है समाज का और भारतीय जनता पार्टी के हम बहुत ऋणी हैं, आभारी हैं कि वो इतना सम्मान हमें दे रही है। भाइयों और दोस्तों, आज हम सरसावा में आए हैं और यहाँ के जो चेयरमैन हैं विजेंद्र मोगा जी, उनके यहाँ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे हैं। मैंने बताया कि योगी सरकार में चर्चाओं में रहने वाले राज्य मंत्री दिनेश खटीक, जिनसे हमने बेबाक और तीखे सवाल करने की कोशिश की है। साथ इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, बेबाकी से लिखिए। नमस्कार।